हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आज मैं आपके लिए नया नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं जो कि हमारे लाइनेक्स में जिसका नाम है वी एस एफ टी पी डी तो वी एस एफ टी पी डी इज द वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन ठीक है तो ये बात होती है इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो वी एस एफ टी पी डी है तो वी एस एफ टी पी डी के बारे में जानते हैं तो वी एस एफ टी पी डी है क्या ये इज द एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं कि इसका टी सी पी का पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन यूज करता है ठीक है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एफ टी पी इज यूजिंग द टू पोर्ट नंबर ठीक है एफ तो टीपी हमारा दो पोर्ट नंबर यूज करता है ट्वेंटी ट्वेंटी में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं तो उससे पहले जान लेते हैं तो एफ टीपी हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है इससे हम अपनी फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करते हैं ओवर द नेटवर्क और इंटरनेट भी कह सकते हैं आप ठीक है तो इसके बारे में जानते हैं तो इट इज ए प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड द एक्सेस फाइल ठीक है रिजाइडिंग ऑन सर्वर इट्स वन इज द अर्लीएस्ट प्रोटोकॉल दैट इनेबल यूजर टू डाउनलोड फाइल्स ओवर द इंटरनेट विद द एफ टी पी प्रोटोकॉल यूजर कैन डाउनलोड एंड अपलोड फाइल ऑन द सर्वर इससे हम फाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं जब बात आती है हमारे लाइनेक्स की ठीक है लाइनेक्स की बात आती है तो लाइनेक्स में हमारे एफटीपी का ही नाम बदल के हो जाता है उधर वीएसएफटीपीडी वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डीमन इट इज सिक्योर एफटीपी डीमन दैट इज एन अपग्रेड ऑफ एफटीपी प्रोटोकॉल इट इज एन फोर सिक्योर कनेक्शन टू एफटीपी सर्वर बाय इंक्रिप्टिंग ट्रैफिक सेंड एंड ठीक है सेंड टू एंड फ्रॉम द सर्वर एंड डूइंग द फाइल ट्रांसफर ठीक है फाइल ट्रांसफर इट कैप्टेफ सेफ सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम हैकर ठीक है तो वी एस एफ टी पी डी में क्या है हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी मिलती है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं वी एस एफ टी पी डी के पोर्ट नंबर के बारे में ठीक चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो एफ होता है दो पोर्ट नंबर को यूज करता है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन तो चलिए ट्वेंटी का जो उपयोग हम लोग करते हैं इट अलाउ टू पी ट्रैफिक और एफ डेटा प्रोटोकॉल ठीक है तो और बात करते हैं चलिए तो चलिए लैब शुरू करते हैं तो लैब को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी मशीन देख लेते हैं कि मुझे क्या-क्या चीजें चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिस्टम जो है रूट लॉगिन होनी चाहिए या फिर उसको sudo का परमिशन होना चाहिए तो चलिए मशीन लॉगिन हो गई है अब शुरू करते हैं मेरे पास में इस प्रैक्टिकल में दो मशीनें यूज करने वाला हूं जिसमें इस वाली मशीन को ME703 को मैं जो है सर्वर एफ सर्वर बनाने वाला हूँ ये एफ क्लाइंट रहेगा और इसमें अपने में माइक्रोसॉफ्ट की मशीन को भी एज ए एफ क्लाइंट यूज करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं आपको कुछ दो सॉफ्टवेयर विन एस और फाइल जिला से हम लोग कुछ परफॉर्मेशन करने वाले हैं या फिर मैं कहूँ तो विन एस हो गया फाइल जिला हो गया इसको हम लोग कहते हैं एफ क्लाइंट तो विंडोज का भी यूज करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसके अंदर तो मशीन रेडी है लॉग इन हो चुकी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें यम सर्वर में जाने से यम से कर सकते हैं या फिर आप डीएनएफ का भी यूज कर सकते हैं तो डीएनएफ के बारे में हम लोग यम सीरीज वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मगर मेरा एफ जो है या वी एस क्या है सिंगल डिपेंडेंसी पैकेज है तो इसको हम आर से भी हैंडल कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना अपना आई पी एड्रेस पड़ा हुआ है तो सबसे पहले चलते हैं तो मैंने आई एफ कॉन्फिक किया तो आई एफ कॉन्फिक करने के बाद मुझको पता चलता है आई हैव आई पी एड्रेस ऑफ टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन ठीक है गुड और ये आई पी एड्रेस है और मेरी ये जो क्लाइंट मशीन है इससे भी कनेक्टिविटी जरा चेक कर लेते हैं ठीक है तो मेरे पास यहाँ तीन मशीनें हैं तीनों से मैं कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ ताकि बाद में एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल कोई इशू ना आए विंडोज मशीन पर चलते हैं तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ आई हैव कनेक्टिविटी दिस आई पी एड्रेस ऑफ टेन डॉट जीरो ठीक है ओके okay, गुड तो सबसे पहले मैं इधर जाता हूं पिंग। ठीक है रिप्लाई आ रही है मेरी विंडोज मशीन से अब लाइनेक्स मशीन का हलचल देखते हैं जरा तो इधर देखते हैं आईपी एड्रेस क्या पड़ा हुआ है मेरी मशीन के ऊपर तो इससे भी एक बार पिंग करके देखते हैं तो मैं चलता हूं आई एफ कॉन तो आई एफ कॉनफेक करने पे इधर था आई एड्रेस ऑफ हंड्रेड तो वन साइड ट्राइड हंड्रेड ऑल्सो हंड्रेड दोनों तरफ मेरी सभी मशीन से कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो चलिए जरा अब हम लोग पैकेज को इंस्टॉल्ड करते हैं एफ टी पी का या फिर पहले हम पता कर लेते हैं तो rpm -qa vsftpd करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा है तो यानी इसके पैकेज अभी क्या है मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है क्वेरी किया मैंने तो चलिए इंस्टॉल करने के लिए तो मेरे पास फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ किसका rpm का तो rpm पैकेज मेरे सारे डीवीडी के अंदर होते हैं तो चलते हैं जरा cd run media मीडिया में रूट रूट पे का डीवीडी और इसके अंदर एप्स एप्स के अंदर पैकेज इसके अंदर जाने के बाद मुझे मेरा बीएसएफटीपीडी एस का जो आर है मिलेगा तो आरपीएम इंस्टॉल करने के लिए कमांड होते आर पी एम हाई फन आई और वी एस एफ टी पी डी ठीक है ये किया इसके बाद क्या है मुझे या तो फायरवॉल के अंदर जाऊं मैं रूल बनाऊ तो मुझे अब ये फायरवॉल में यहां पे शेक ऑफ सिंपलिस में फायर पे पूरा ही बंद कर देता हूं तो कमांड है सिस्टम सी टी एल स्टॉप फायरबॉल डॉट सर्विस फायरवॉल यहां बंद कर देता हूं बस मैं आपको बता भी दूंगा कि आप रूल बना भी सकते हैं कि केवल फायरवॉल से केवल पोर्ट नंबर 21 ही एग्जिट हो ठीक है तो फिलहाल से ऑफ सिंपल रेडियन फायरवॉल बंद किया एफटीपी को मैंने अब चालू कर दिया है तो चलिए जरा देख लेते हैं इसको तो देखते हैं तो चलिए ये मेरा हो चुका है अब मैं चलता हूं इसके ऊपर तो मैं अभी यहां पे करके देखता हूँ तो अभी मुझे क्या एफ एफटीपी का पैकेज इंस्टॉल कर दिया तो मुझे अब स्टेटस देखना है कि FTP मेरा चालू है या नहीं है तो इसके ऊपर मैंने एक एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है कंट्रोलिंग सर्विस एंड डीमंस के ऊपर कैसे किसी सर्विस को बंद करना है स्टार्ट करना है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं वैसे ये जो स्टेप फॉलो करेंगे तो ये भी बहुत ही सिंपल है तो सिस्टम सी स्टेटस देखिए तो यहाँ पे क्या है सर्विस इनएक्टिव है और डिसेबल्ड है तो मुझे एक्टिव भी करनी है और डिसेबल्ड भी करनी है तो मैं इधर स्टेज टस की जगह यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट स्टार्ट और इनेबल्ड यानी कि जैसे ही मेरा कंप्यूटर ऑन हो तो ऑन होते टाइम पे ही मुझे ये सर्विस स्टार्ट मिले ठीक है इसके बाद फिर से स्टेटस चेक कर लेते हैं। और आप देखिए द सर्विस इज एक्टिव एंड इनेबल तो एक्टिव भी हो गई है इनेबल भी हो गई है तो सर्विस चालू हो गई है तो चलिए जरा इसका टेस्टिंग करके देखते हैं लोकल मशीन पे सबसे पहले तो इसको ओपन आप किसी भी ब्राउजर में कैसे करेंगे एफ को क्योंकि एफ क्या है मेरा ब्राउजर विज डाउनलोडिंग सर्विस है तो चलिए ऑन होने देते हैं चल रहा है तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं तब तक हम लोग इधर भी ट्राई कर लेते हैं इधर भी मैं ब्राउजर ओपन कर देता हूँ ठीक है तो ब्राउजर इज ओपन ब्राउजर ओपन हो गया है तो चलिए जरा आप किसी ब्राउजर में आप कैसे इसका यूआरएल सेट करेंगे एफटीपी के लिए तो एफटीपी स्लैश नहीं एफ टीपी कोलन स्लैश और आई पी एड्रेस एंड नेम ऑफ द सर्वर ठीक है डालने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो जब आप पहली बार कॉन्फिगर सेट नहीं करते हैं तो आपसे यहाँ पे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड का डिमांड करता है तो यूजर नेम पासवर्ड अगर आपके पास है तो जैसे मान लीजिए मेरे पास आई अजीत द पासवर्ड इज द वन टू थ्री ठीक है लॉग इन नहीं करने देगा क्योंकि इसके लिए मुझे क्या है कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी देखिए यहाँ पर 530 सौ तीस लॉग इन आ गया है ठीक तो मैं आपको दिखा देता हूं तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है सबसे पहले आपको कि जब आप पहली बार बिना सेटिंग किए एफ को ब्राउज करने आने की कोशिश करेंगे तो इसकी सेटिंग कहाँ से करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि लिनिक्स के अंदर हर एक लिनिक्स के अंदर हर एक सर्विस के लिए या हर एक सेटिंग के लिए क्या होता है एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है तो चलिए जरा लिनक्स के अंदर ये काम करके देखते हैं कि कैसे मैं तो करता हूं जरा इस चीज को तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जरा तो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मेरी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल की लोकेशन होती है सी ये मिलेगी मुझे ए के अंदर etc में vsftpd नाम की डायरेक्टरी और यहाँ पर मैं आपको ll करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझको ftp users ftp user list ftp configuration file देखिए ये रही अपनी configuration file इसके अंदर मुझे कुछ editing करने पड़ेंगे तो चलिए editing करते हैं vim editor vim vsftpd dot conf एंटर करते हैं और चलते हैं यहाँ पे तो यहाँ चलने पे प्रेस आई टू इंसर्ट और यहाँ पे देखिए ठीक है तो जहां पे आपका ये लिखा हुआ है नो नो की जगह आप यहाँ पे कर दीजिए जो वहां पे यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा था वो मांगना ही बंद कर देगा ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यस किया यस करने के कर बाद आप इस फाइल को सेव करेंगे सेव करने के बाद एक बार इस सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से तो रिस्टार्ट करने के लिए कमांड एस बाई एस टी एल सिस्टम सी टी एल वी एस टी डी डॉट सर्विस ठीक है हो गया अब जरा ट्राई कर लेते हैं इधर क्लाइंट मशीन पे आता हूं मैं दोबारा से यूआरएल पड़ा हुआ है और इस बार आप देखिए आपको इसने सीधा मेरे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर <coughs> सॉरी अंदर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर ले जाके आप इस बार कोई पासवर्ड नहीं मांगा और ये मैं सीधा पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर चला गया देखिए चाहे तो आप इस पे देख सकते हैं इसके अलावा आप चाहे तो इधर बिन एस या फाइल जिला के अंदर आपको करके दिखाता हूँ यही सेम चीज तो इसको आप कैसे करेंगे या कोई चीज फाइल तो एफ टी पी क्लाइंट बेसिकली यूज टू अपलोड फाइल टू एफ टी पी सर्वर यानी कि क्लाइंट से सर्वर पर फाइल्स को अपलोड करने के लिए होता है तो चलिए यहाँ पर न्यू साइट सिलेक्ट प्रोटोकॉल में गया एफ टी पी और यहाँ पर आई पी एड्रेस ऑफ सर्वर पोर्ट नंबर एड है यहाँ पे आपको लिखना क्या है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनोनोमस लॉग इन एनोनोमस लॉग इन पे चेक लगाएंगे आप आप केवल क्लिक करें लॉग इन पे लॉग इन करते ही आपको ये पब डायरेक्टरी के अंदर लेके जाएगा और पब डायरेक्टरी के अंदर में यहां से क्या करता हूँ कुछ चीजें हैं जो अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं अपने सिस्टम में गया एडमिन ठीक है एडमिन है अपलोड पर गया अपलोड कैंसल करता हूं अभी एक सेकंड गाइस जस्ट वंस डेस्कटॉप ठीक है यहां से कुछ फाइलें मैं लेना चाहता हूं बैक यूजर्स एडमिन एडमिन में गया मैं डाउनलोड ठीक है अब मैं गया डाउनलोड डाउनलोड पे गया और डाउनलोड से मैं इधर कुछ डॉक्यूमेंट मैसे गया और इधर कुछ फाइल्स अपलोड कर देता हूँ जैसे मान लीजिए ये किताब है ठीक है ये बुक है एन मैप चीट सीट है एंड मैप राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा अपलोड आप अपलोड पर क्लिक करिए ओके करिए एंड यहाँ पे अभी क्या है एरर आ गया है परमिशन का क्योंकि एनोनिमस या किसी पे भी इस डायरेक्टरी के ऊपर पब के ऊपर अपलोड की परमिशन नहीं है अभी हम परमिशन देंगे और देखते हैं कैसे अपलोड होता है तो मैं गया पब को यहां से परमिशन देने वाला हूं तो चलिए जरा तो मैं इधर से परमिशन देता हूं पब को तो चलते हैं सी एच एम ओडी एमओडी सी एच मोड ट्रिपल सेवन वेर एफ पब डायरेक्टरी को मैंने यूजर ग्रुप सभी को फुल कंट्रोल दे दिया इसके बाद सी एच ओ डब्लू एन चोन एफ टीपी को परमिशन इसी डायरेक्टरी के ऊपर वेर एफ टीपी और पव को दे देता हूं तो यहाँ पे परमिशन भी मिल चुकी है चाहे तो आप चेक कर सकते हैं तो चेक करने के लिए कमांड है एल एल और ओ, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है देख सकते हैं सभी को फुल कंट्रोल दिया जा चुका है इसका ओनर वगैरह चेंज किए जा चुके हैं तो चलिए जरा इस बार अब अपलोड करके देखते हैं इधर से क्या ये चीजें फिर से अपलोड होंगी PUB के अंदर के नहीं तो स्टार्ट टू अपलोड ओके okay. रिट्राई कोई दिक्कत नहीं अभी मैं करके दिखाता हूं आपको ठीक है अभी करने वाला हूं तो आप यहां से परमिशन दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं अपलोड हो जाएगा ठीक है ये हो गया इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्टरी ब्राउज हो रही है सारी चीजें हो ही रही है तो इधर भी चलते हैं पब पर क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं है इधर तो पब के अंदर मैं कुछ चीजें डालता हूं और फिर हम लोग उसको देखते हैं जरा डाउनलोड वगैरह करके तो एक सेकेंड मैं कुछ तो चलिए मैं यहाँ पब के अंदर कुछ फाइल्स को कॉपी कर देता हूँ आप लोगों के सामने डीवीडी से मैं गया मैं <coughs> कॉपी करके दिखाता हूँ आपको मेरा रहा, ये रहा के के अंदर uh, करते हैं हम लोग और copy करने के बाद मैं पब वाली डायरेक्टरी के अंदर इसको पेस्ट करने वाला हूं तो चलिए पेस्ट करते हैं तो इसके लिए अदर लोकेशन कंप्यूटर वेर एफ अब के अंदर जाते हैं और ये सारे सेटअप को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं पेस्ट करने के बाद जरा चलिए टेस्टिंग कर लेते हैं इधर क्लाइंट पे आते हैं और यहां और हैं और एक बार रिफ्रेश रिफ्रेश करते करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि ये सारे जो सेटअप मैंने वहां डाले थे यहाँ पे आ चुके हैं आप जैसे किसी पे भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा सेव फाइल एंड स्टार्ट डाउनलोडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरफॉक्स ऐसे ही अगर आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट पब में जाइए यहाँ पे पेट uh, ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे सारे सेटअप आ चुके हैं चाहे तो आप राइट right क्लिक करके आप इस तरह से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे चाहे तो आप लोकेशन चेंज कर लें ठीक है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लोकेशन चेंज कर लेता हूँ डेस्कटॉप दे देता हूँ डेस्कटॉप पर जाके मैं जैसे ओपन जैसे क्लिक करूंगा आप देखिएगा इधर दिस सॉफ्टवेयर है हैं अपने विंडोज मशीन पर इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन करिए और यहाँ पे एफ एंटर करते ही देखिए जरा पब पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखिए ये दिखा रहा है ये जस्ट वंस गाइस कैश में सेव है पुराना एक बार रिफ्रेश कर लेते क्लोज करंट कोई दिक्कत नहीं गाइस तो इधर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आ रही हैं आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सप्लोरर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई अदर ब्राउजर है अब अदर ब्राउजर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो बेसिकली एफ इज यूज फॉर द वेब ब्राउजर बेस्ड डाउनलोडिंग ठीक है ये थोड़ा इधर टाइम लेगा ओपन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक तो आप इधर से ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं एफ से कर सकते हैं तो यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं अपलोड भी कर सकते हैं तो अपलोड के लिए हम लोगों ने देखा परमिशन इशू बता रहा था इस बार फिर से चेक करते हैं थोड़ी देर बाद तो चलो अभी भी परमिशन इशू है फिर भी अभी सॉल्व करेंगे इसका परमिशन का इशू तो चलते हैं जरा तो ये मेरा क्या हो गया ये मैंने के अंदर से यूजर कैसे लॉग इन करेंगे तो उस तरह से मैंने परमिशन दी अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक यूजर बनाता हूं और देखते हैं चलिए ठीक तो लॉग इन कर तो यूजर बनाता हूं इधर और फिर उससे लॉग इन करा के देखते हैं तो मैं गया इधर यूएसआर यूजर एड यूजर का नाम रखा एंड ए के यूजर बन गया पासवर्ड दे दिया अब चलते हैं जरा फिर से ट्राई करता हूं मैं इधर ठीक है न्यू सेशन न्यू सेशन पर गया आई सिलेक्ट एफ टी पी एफ सिलेक्ट करते हैं यूजर नेम ए सॉरी होस्ट होस्ट आईपी एड्रेस यूजर नेम ए के एंड पासवर्ड वन टू थ्री एंड इट्स लॉग इन मगर जब आप यहाँ पे देख रहे देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या दिखा रहा है यहां दिखा रहा है ये कि होम होम के अंदर ठीक है तो होम के अंदर ये मुझे ए के यानी कि यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर ले जाके मुझे ये छोड़ेगा ठीक तो इधर से भी आप क्या कर सकते हैं कोई चीज देखें तो आप अपलोड करके देखिए परमिशन का इशू है अभी मैं इसको रिजॉल्व करता हूं ठीक है तो चलते हैं जरा इस परमिशन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए ठीक है तो सी एच एमओडी ट्रिपल सेवन स्लैस होम एक ठीक है अगली कमांड है सी एच ओन आफ टी पी एफ टी पी स्लैश होम ठीक है ये हो गया इसके बाद चलिए देखते हैं एक बार इधर रिफ्रेश कर लेते ठीक है तो मैं गया होम एक नया सेशन बनाते, हैं फिर से टेन ek जीरो डॉट जीरो ek ek ki home directory में आ गए हम लोग right click upload okay और आप देख सकते हैं permission का issue मैंने resolve कर दिया है तो ये मैंने कैसे resolve कर दिया आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ch mode ये दो command लिए बस ठीक है और इसका जो इशू है वो रिजोल्व हो गया मैंने परमिशन और ओनरशिप चेंज की फोल्डर की एंड आई ठीक है अपलोड एनी डेटा ऑन एफ डायरेक्टरीज़ डायरेक्ट्रीज ठीक है एफ टी पी पे आप कर सकते हो ठीक इस तरह से आप कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग अगला बात करने वाले हैं कि कैसे जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि इसके अंदर कोई भी बंदा जो है फाइल को अपलोड कर दे रहा है कोई भी क्लाइंट अपलोड कर दे रहा है बट मैं चाहता हूँ एक तरह का फाइल स्क्रीनिंग पॉलिसी इधर लगे फाइल स्क्रीनिंग पॉलिसी जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कुछ फिक्स टाइप की ही फाइल जो है क्लाइंट अपलोड कर सके मेरे ठीक है FTP सर्वर के ऊपर या फिर मैं नहीं चाहता कि इन इन फाइल फॉर्मेट्स को कोई भी यूजर मेरे एफ सर्वर पर अपलोड कर सके तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है ठीक है तो ये इसमें आप क्या कर सकते हैं वी एस एफ की कॉन्फिग्रेशन फाइल के अंदर आप जाइए ठीक है तो इस कॉन्फिग्रेशन फाइल के अंदर आपको जाना है और फाइल के बिल्कुल लास्ट में जाएं आप क्या है फाइल के बिल्कुल लास्ट में जाना है और आपको लिखना है अंडर स्कोर, फाइल इक्वल टू तो, ब्रैकेट स्टार डॉट पीडीएफ एक फॉर्मेट हो गया इसके अलावा आप चाहते हो कोई और फॉर्मेट जैसे मान लीजिए स्टार डॉट पीडीएफ हो गया या फिर स्टार डॉट ठीक है मेरे स्टार डॉट डॉक एक्स कोमा स्टार टी एंड जो भी आप चाहते हो ठीक है स्टार डॉट पी लगाओ ठीक है लगाने के बाद आपने फॉर्मेट सेट किए फाइल को सेव करते डब्ल्यू क्यू और सर्विस को एक बार रिस्टार्ट करते हैं चलिए तो रिस्टार्ट करते हैं <coughs> और अब मैं कोई यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड करके देखना चाहता हूँ क्या है पीडीएफ फाइल अपलोड करना चाहता हूं तो चलिए जरा देखते हैं रिकनेक्ट तो, तो यहाँ पे जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करता हूँ अभी देखिए जरा पर क्या आ गया परमिशन डिनाइट कॉपिंग फाइल्स रिमोट फाइल साइड परमिशन का इशू जबकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक पीडीएफ फाइल की उसके बाद आपको परमिशन लगा के दिखाई मैंने ठीक है तो अब आप यहाँ पर देख रहे पीडीएफ फाइल आप नहीं कर सकते इसके अलावा जो जो आप फाइल आप डॉक फाइल ले या पीपीटीएक्स ले सकते हैं आप जो चाहे वो फाइल ले सकते हैं इधर ठीक है आप जो चाहे वो फाइल ले सकते हैं इधर से तो ये हो गया आप इस तरह से फाइल भी रोक सकते हैं एफटीपी सर्वर ठीक इसके अलावा अगली चीज में दिखाता हूं आपको यहाँ पे आता है एक लॉग इन बैनर लॉग इन बैनर भी आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं उसी फाइल के अंदर चलिए प्रेस आई और ऊपर की साइड चलते हैं देखते हैं कि बैनर कहाँ है इसमें तो बैनर वाली लाइन जो है मेरी आ, कमेंटेड है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोगों को तो यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी फाइल सेटिंग की है कॉन्फ़िगरेशन है तो सिंपल सी बात है यार ठीक है तो परमिशन डिनाइड और ये है बैंड ईमेल एंड दिस वन देखिए एफ बैनर एफ टी पी बैनर वाली लाइन पे आपको जाना है और इस लाइन को अनकमेंट कर देंगे हम लोग और हम चाहें तो अपना बैनर भी सेट कर सकते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं वेलकम टू टेक्निकल डोज ठीक है लगाओ सेव करो सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूं वेलकम बैनर कहां दिखेगा आपको ओपन करिए इधर लिखिए एफ टी पी आई पी एड्रेस ऑफ सर्वर और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू द टेक्निकल डूज और आप चाहे लॉग इन फ्रॉम ए के पासवर्ड इज वन टू थ्री और देखिए मैं लॉग इन हो चुका हूँ आप यहाँ कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं जरूरी नहीं है आप बिना पी यूज करो या फाइल जिला यूज करो आप यहाँ से ये चीजें भी आप सिंपल सीएमडी से भी आप एफ टी पी सर्वर को कनेक्ट करा सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कमांड है तो जैसे मान ली एल सी डी तो एल सी डी यानी कि लोकल करेंट डायरेक्टरी लोकल करेंट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अभी आप किस में लॉग इन कराए सी यूजर एडमिन पर लॉग इन है ठीक है एल हो गया आपका इसके अलावा आप चेंज कर सकते हैं इधर से सी चला सकते हैं ठीक है कोई चीज आपको कहीं से चाहिए तो आप यहां से गेट गेट कमांड चला सकते हैं क्या है गेट कमांड का आप यूज कर सकते हैं गेट क्वेश्चन मार्क ठीक है तो चलिए अभी और देखते हैं थोड़ी सी चीजें एफ के ही अंदर तो सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ क्लियर करने के बाद बात करते हैं अभी तक मैंने ये सारी चीजें आपको वैसे करके दिखाई मैंने अभी मगर आपको एफ क्लाइंट में रूट लॉग नहीं करके दिखाया क्योंकि रूट लॉग एक्चुअली होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट लिनिक्स एट के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो लिनिक्स एट के अंदर जो रूट uh, का जो एफ टीपी होता है बाई डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो रूट अलाउ नहीं होता है कि वो लॉग कर सके तो इसको कराने के लिए हमको मैंने बात करी यहाँ पे एफटी पी के अंदर यहाँ पे कॉन्फिग्रेशन फाइल के अलावा और भी फाइल है जैसे अगर मैं बात करूँ तो एफ टी पी यूजर्स और एफ टी पी यूजर लिस्ट ठीक है तो FTP users, list और FTP users. तो तो और के अंदर अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर यूजर्स होते हैं इसके होते जो एफ टीपी नहीं कर सकते हैं चलिए तो 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 मैं आपको आपको दिखा भी देता हूं, एक बार आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा तो FTP users, तो FTP users मैंने बेम करके जैसे ही किया तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यूजर दैट आर नॉट अलाउड टू लॉग इन वा एफ टीपी जिसमें सबसे पहले नंबर पे पहला यूजर है रूट डीमन एडीएम और ये समथिंग लाइक दैट तो यहाँ पे तो आप चाहते हैं कि रूट से लॉग करें तो रूट से लॉग कराने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड में जाना है रूट की एंट्री को यहाँ से हटाना है क्या करना है रूट की एंट्री को यहां से हटा देना है फाइल को सेव कर देना है इसके अलावा ठीक है दूसरा अपना काम क्या है किसी भी यूजर को लॉगिन कराना है तो रूट से लॉगिन करा रूट की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं ठीक है तो रूट की एंट्री यहां से हटानी है और यहाँ पे एक यूजर लिस्ट है तो वेम स्पेस यूजर लिस्ट में देखते हैं ये यूजर लिस्ट क्या कह तो वी एस एफ टीपी लिस्ट वी एस एफ टीपी लिस्ट में यहां पर लाइन नंबर दो और लाइन नंबर तीन को पढ़ते हैं लाइन नंबर दो और लाइन नंबर तीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर इनका इसका मतलब समझ में आता है तो लाइन नंबर दो कह रहा है इफ यूजर लिस्ट डिनाई नो ओनली यूजर ओनली अलाउ यूजर इन दिस फाइल कि अगर आप दूसरी लाइन यूज करोगे तो इससे क्या है आपका यूजर लॉग इन हो जाएगा इस लिस्ट से यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है ठीक है अगर इसी लिस्ट को अगर आप चाहते हो कि इसमें से वो यूजर लॉग इन न करे जैसे मान लीजिए तो मैं यहाँ पे मैंने अभी यूजर बनाया था थोड़ी देर पहले मैं चाहता हूँ कि ए से लॉग इन ना हो कैसे ए के से लॉग इन ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कोई यूजर लॉग इन ना करने के लिए जो यूजर आपने बनाया तो एके था ए के से तो मैं लॉग इन कर रहा था भी? तो चलिए शुरू करते हैं प्रेस आई के साथ तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाने वाला हूं लॉग इन ना हो ठीक है या फिर रूट वाला ही कर लेते हैं चलिए रूट वाला ही करते हैं पहले और फिर लॉग इन ना हो तो चलिए करते हैं शुरू इस चीज को के ठीक है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे करना है यूजर को अलाउ करना है तो मुझे इतना टेक्स्ट कॉपी करना है यूजर लिस्ट डिनाइ इक्वल तू नो ठीक है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ एंट्री किसकी है रूट की गुड तो WQ फाइल को करते हैं सेव और यहाँ एक फाइल है vim vsftpd.conf कॉन्फ कॉन्फ के अंदर जाना है और इस एंट्री को बिल्कुल एट द एंड ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे वाली लाइन में ले जाके इसको आप करेंगे सेव सेव करने के बाद इस सर्विस को एक बार रीस्टार्ट करते हैं चलिए क्या करना है रीस्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट करने के बाद आप चलिए मैं जरा इधर ट्राई करता हूं आई ओपन विन एस सी पी और या फिर आप चाहे तो मोजिला सॉरी मोजी हाँ फाइल जिला यूज कर सकते हैं Mo, मोजिला नहीं ठीक है थे, तो मैं गया इधर आई सिलेक्ट एफटीपी टी टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन यूजर नेम रूट पासवर्ड डालता हूँ रूट का और देखते हैं क्या रूट से मुझे लॉगिन मिलता है इस बार ठीक है यस आई लॉग विद द रूट मैंने कैसे रूट से लॉग इन कर लिया कैसे रूट से लॉग इन कर चुका हूं मैं तो आप इस तरह से रूट यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि कैसे रूट यूजर लॉग इन हो जाए ठीक है अब बात आती है ए के लॉग इन ना कर सके ए के लॉग इन न कर सके तो ए के लिए आपको क्या करना है उसी फाइल में जाना है यूजर लिस्ट वाली फाइल में यूजर लिस्ट, प्रेस आई, और फाइल के लास्ट में बिल्कुल आ जाते हैं प्रेस ए के और इस बार मैं ये वाली लाइन कॉपी कर लेता हूं कॉपी ठीक है ए के यहाँ पर नाम भी ऐड करना है फाइल को करते हैं सेव सेव करने के बाद दिन कौन वाली फाइल के अंदर जाना है और जहां आपने लास्ट टाइम एंट्री करी थी उसके नीचे एक और एंट्री डाल देंगे आप देखते हैं कि इस बार होता है कि नहीं या कोई कमी रह जाती है तो डब्ल्यू क्यू रिस्टार्ट सर्विस और रिस्टार्ट करने के बाद आप ठीक है आई एफ

ठीक है गाइस तो एफटीपी के अंदर ये हो गया इसके अलावा मैं कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करता हूं मैंने बैनर भी बताया आपको लॉगिन भी रोक के तो कॉन्फ में चलते हैं तो इधर थोड़ी सी कुछ सेटिंग्स और हैं जैसे इधर है कि जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि आईपी वर्जन 6 वाले यूजर मेरे एफटीपी को एक्सेस ना कर सके तो आप यहां पे जाके जहां यस लिखा हुआ है लिसन सिक्स यस यहां पे आप नो कर दीजिए या फिर इससे ऊपर है आईपी वर्जन फोर के लिए तो आईपी वर्जन फोर का वैसे अभी नो लिखा हुआ है ठीक है तो आप यहां पे ये कर सकते हैं इसके अलावा एक चीज और है जो आप कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं अभी ठीक है इसके अलावा ऊपर चलते हैं देखते हैं और क्या किया जा सकता है इसके अंदर बैनर हो ही गया ठीक है इसके अलावा आप इसका पोर्ट नंबर भी चेंज कर सकते हैं। क्या है पोर्ट नंबर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं तो चलिए जरा पोर्ट नंबर चेंज करते हैं तो एक्चुअली पोर्ट नंबर हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है तो पोर्ट नंबर चेंज करने का जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ता है कि सभी को पता होता है कि वाइडॉल्ट एफ टीपी का पोर्ट नंबर जो होता है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी होता है तो कोई भी हैकर उस पोर्ट नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को गैस करके उस पर अटैक कर सकता है और अटैक परफॉर्म करता रहेगा पोर्ट नंबर पर तो हम पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं तो ये पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए मुझे इसी फाइल के अंदर आना है और यहां पे आपको लिखना एल आई एस टी एन लि अंडर स्कोर पीओ आर टीवल टू जैसे ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन कर दिया इस बार मैंने फाइल को करता हूं सेव डब्ल्यू क्यू क्वेश्चन मार्क और सर्विस को करता हूं स्टार्ट और रिस्टार्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं इधर लॉग इन कराने की कोशिश करता हूँ तो चलिए जरा क्या ये पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन से लॉग इन लेने वाला है इस बार तो मैं इस बार करता हूँ फिर से ठीक है तो जरा एफ टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन एफ टी पी ट्वेंटी वन ही रहने देते हैं रूट को मैंने दिया हुआ है परमिशन तो चलिए जरा इस बार मना करने वाला है ये देखिए जरा क्योंकि तो इसका पोर्ट नंबर चेंज हो चुका देगे। connection refuse, connection fail, I, थीक है ठीक है मैं अब इस बार नया सेशन बनाने वाला हूँ इसका 2021 20, के साथ तो चलते हैं जरा 2021 10.0.0.1 रूट पासवर्ड वन टू थ्री क्यू डब्ल्यू और देखते हैं इस बार कनेक्शन फिर से फेल्ड आया ओके कोई दिक्कत नहीं है बस चेक करते हैं चलिए तो चलिए करते हैं जरा पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे चेंज कर ही दिया था पोर्ट नंबर इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ठीक है तो मैं इधर गया आई एड्रेस डालता हूँ सिलेक्ट द प्रोटोकॉल एंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई ठीक है एंड लॉग इन तो देखिए पोर्ट नंबर ट्वेंटी वन के साथ यहाँ पे मैं लॉग इन कर चुका हूँ तो इस तरह से आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं ठीक है तो कुछ खास नहीं किया लिसन पोर्ट नंबर ठीक है इसके अलावा मैं जो आपको बताने वाला था कि जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरे सर्वर के ऊपर चार या पांच लेन चल रही हैं तो जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की आईपी को रन किया जा रहा है मगर मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर जो है ठीक है उनके ऊपर केवल फिक्स नेटवर्क का आईपी एड्रेस ही चले यानी कि के एक्सेस केवल वही कर सके तो इसके लिए भी आप आ, कर सकते हैं तो इसी फाइल में आना आपको प्रेस आई और इस लाइन के ही नीचे चाहो तो आप एक लाइन और एड कर लीजिए आप लिखिए वहां पर लिसन एल आई एस टी एन -E लिसन अंडर स्कोर एड्रेस इक्वल टू जैसे टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट तो केवल जिसके पास इस नेटवर्क की आईपी एड्रेस होगी और ये सबनेट मास्क होगा वही केवल एक्सेस हो पाएगा ठीक है तो इस तरह से आप इस ये सेटिंग कर सकते हैं सेव करेंगे ठीक है और सर्विस को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं तो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं इसके अलावा अब बात आती है हमारे पास ठीक है यह हो गया मैक्सिमम एफटीपी के बारे में एक्सप्लोर कर चुके हैं तो चलिए जरा थोड़ी सी चीजें और करते हैं कुछ ये तो एफटीपी क्लाइंट आपने फाइल uh, जिला या विन एस सी पी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से इसके अलावा हम थोड़ा सा सीएमडी से भी देख लेते हैं एफ टी पी के ऊपर एफ टी पी रूट ट्राई करते हैं जरा कनेक्शन रिफ्यूज ओके वट इज द प्रॉब्लम चलिए देखते हैं अभी सारी चीजें तो चलिए शुरू करते हैं अब थोड़ा सा और तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने पिछली कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने करी थी उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए मैंने डिनाई यूजर वाला हटा दिया है ठीक है अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं विंडोज के साथ काम करना चाहता हूँ या फिर लिनक्स के साथ काम करना करना चाहता हूँ तो जैसे मान लीजिए तो मैं इधर करूंगा एफ root at the rate 10.0.0.1 करते हैं जरा ठीक है इधर नहीं ले रहा कोई दिक्कत नहीं है अब मैं चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट की मशीन पे तो इधर चलते हैं cmd और मैं इधर इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा टेक्स्ट मैं लिखता हूं एफटीपी 10.0.0.1 यूजर नेम लॉगिन के लिए root। रूट मगर रूट लॉगिन कब होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं जो मैंने कंडीशन करी थी उसके बाद ही होगा तो आप देखिए मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ रूट लॉ यूजर से ठीक है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प ले सकते हैं को, कौन कौन से कमांड चलेंगे तो यहाँ पे आप एलसीडी चला सकते हैं तो लोकल डायरेक्टरी में आप कौन सी में हैं ठीक है इसके